Hello everyone, in last class we completed till autotrophic nutrition of chapter 1st, that is nutrition in plants. So now let's continue with the next topic, that is heterotrophic nutrition. So definition of heterotrophic nutrition is some plants do not have chlorophyll, cannot synthesize their own food, so they depend on other plants. Means, because we have discussed the nutrition in plants, so I mention here some plants. Okay, so कुछ ऐसे plants होते हैं जो अपना food prepare नहीं कर पाते. क्यों? Because of absence of chlorophyll. Chlorophyll ना होने के कारण वो अपना food cook नहीं करते by the process of photosynthesis. Then that condition they are different types. So heterotrophic nutrition किस type के plants में होता है? That is discussed here. So first is parasitic plants. Now what is parasitic plants? Those organism which obtain food from other organism, means वैसे organism जो अपना food दूसरे plants से obtain करते हैं. वैसे plants को हम लोग क्या कहते हैं? Parasitic nutrition. And parasitic plants and जो nutrition होता है उसको हम parasitic nutrition कहते हैं. There is very important term here, host, H-O-S-T, in parasitic plants. That means host ऐसा organism है जिससे parasitic plants food obtain करता है. तो जैसे जो जिससे food हम लोग लेते हैं, parasitic plants लेते हैं, उसको हम कहते हैं host. It is a kind of association in which only parasites are benefited. Obviously, जो food obtain करते हैं एक plant से और एक plant food get करते हैं. तो इसमें जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं और दूसरा जो होता है उसे नुकसान होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कस्क्यूटा, रेफ्लेशिया एंड ब्लैडरवर्ट्स. देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड, इम्पॉर्टेंट टर्म इन पैरासाइटिक प्लांट्स, होस्टेरिया. यू कैन सी इन योर बुक. सो कस्क्यूटा में एक होस्टेरिया होता है जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट पर पूरा रैप, मतलब पूरा सर्कल बना के उसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो स्टेम के थ्रू टिश्यू तक पेनिट्रेट करते हैं और फिर उससे वो फूड ऑब्टेन करते हैं. ये किस में होता है? कस्क्यूटा में. एंड दिस इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज सैप्रोफिटिक प्लांट्स. सो सैप्रोफिटिक प्लांट इज व्हाट? दिस इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. मींस ऐसे प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग, जैसे वेजिटेबल वेस्टेज, फूड वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज, उनसे जो फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स. एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल मशरूम, दिस इज अ टाइप ऑफ फंगी. ओके, देर आर ऑल्सो सम अदर एग्जाम्पल, सो आई मेंशन हियर मशरूम. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज सिम्बायोटिक प्लांट्स. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज. सो सिम्बायोटिक प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड. मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों को फायदा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइकन, आई राइट हियर लाइकन. तो लाइकन में दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? लाइकन. लाइकन में क्या होता है एक्चुअली, जैसे एल्गी है, एल्गी वो क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है. किसके लिए? खुद के लिए भी और फंजी के लिए भी. एंड फंगी क्या करते हैं? उसको रहने के लिए जगह एंड वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को बेनिफिटेड होते हैं दोनों एक दूसरे से, जिस कारण इनको दोनों को ही फायदा होता है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स. एंड इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं सिम्बायोट्स. ओके, एंड सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो लेग्यूम प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया. Now the maybe in your mind what is legume plants. So legume plants is a that type of plants that obtain pulses. जो pulses species के जो plants होते हैं जिससे दाल obtain होता है, जैसे मूंग, अरहर, चना, ये सब जो plants होते हैं उसको हम लोग legume plants कहते हैं. इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इनके रूट्स में नोड्यूल्स बने होते हैं, छोटे छोटे गांठ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. उस नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है. तो वो बैक्टीरिया क्या है? इस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं
और प्लांट्स जो है उस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है। तो इस तरह से दोनों के बीच एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स। नाउ द लास्ट एंड वेरी स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट्स टू गेट नाइट्रोजन। मीन्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको किल करके उससे नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में एक स्पेशलिटी होती है, ऐसा नहीं है ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे जगह ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन मिनरल्स को पूरा करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को किल करते हैं और उससे फिर वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट एंड सनड्यू। पीचर प्लांट में क्या होता है, जो इसके लीव्स होते हैं वो एक लीड जैसा होता है और प्लांट बिल्कुल जैसे एक पीचर होता है जिसमें हम लोग पानी वाटर कलेक्ट करते हैं वैसा दिखता है। तो जब कोई इंसेक्ट उस पीचर के माउथ पे आके बैठता है तो क्या होता है, वो लीव्स जो है उससे एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है और वो इंसेक्ट उसमें चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, फिर वो जो लीव्स है वो कवर अप कर देता है उसको और इंसेक्ट्स वहाँ किल हो जाता है। फिर वो अंदर प्लांट्स के अंदर ही वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइजेस्ट होके प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वेरी गुड एग्जांपल फॉर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू।